हेलो एवरीवन। लास्ट हमने जो वीडियो अपनी AIA लेक्चर स्टार्ट किए थे, तो फर्स्ट लेक्चर इसका हो चुका है, ये सेकंड लेक्चर है। अभी तक हम जो AIA प्रोसेस है उसके बारे में बेसिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम कंप्लीट करेंगे स्टेप्स ऑफ AIA और बाकी जो आगे के जितने भी प्रोसेसेस हैं जो हमने लास्ट इंडेक्स में डिस्कस किए थे वहाँ से। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर स्टेप्स ऑफ AIA से। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि जो प्रोजेक्ट एरिया है उसको आइडेंटिफाई करना, साइट सिलेक्शन करना कि वहाँ पे कोई इकोलॉजिकल जोन एरिया तो नहीं है। ठीक है, जो प्रोजेक्ट हम वहाँ पे लगाना चाह रहे हैं क्या उसके लिए हमें इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेने की ज़रूरत है या नहीं है, मैंडेटरी है या नहीं है, ये सारी चीज़ें हम स्क्रीनिंग में लगाते हैं पता। ठीक है, तो स्क्रीनिंग का मतलब ही क्या होता है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं वहाँ की कंडीशंस किस तरीके की हैं। ठीक है, तो वो किस में आ जाता है, हमारा स्क्रीनिंग के अंदर आ जाता है कि वहाँ पे जो एरिया है उसकी स्टेट ऑफ डेवलपमेंट क्या है, ये सारा हम स्क्रीनिंग के अंदर लगाते हैं कि इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन प्रोफाइल एरिया हो। ठीक है, जैसे कि कुछ प्रोजेक्ट जो है वो अरावली हिल्स जो हरियाणा में है उनके माउंटेन रीजन में वो लास्ट में प्रोहिबिट कर दिए गए थे, उसका रीज़न भी यही था। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो स्टेप आता है वो आता है स्कोपिंग। स्कोपिंग का मतलब क्या है कि जोन ऑफ इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है, और जो हमारा प्रोजेक्ट है वो स्मॉलर प्रोजेक्ट है, लार्जर प्रोजेक्ट है, और जो हमें इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना है और हु एंड वेयर क्लियरेंस इज डन, कौन क्लियर करेगा। ठीक है, और उनकी मॉनिटरिंग करते हैं कि इम्पैक्ट क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इम्पैक्ट की। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, वो आता है कलेक्शन ऑफ बेसलाइन डाटा। बेसलाइन डाटा कलेक्शन का मतलब क्या है, जो स्टडी एरिया है उसकी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस, इन्वायरमेंटल कंडीशंस किस तरीके की, और जब प्रोजेक्ट वहाँ पे डेवलप हो जाएगा उस टाइम पे इन्वायरमेंटल कंडीशंस किस तरीके की होंगी, ये हम बेसलाइन डाटा के अंदर सारा डाटा कलेक्ट करते हैं। बेसलाइन डाटा सिंपली गिव एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्जिस्टिंग कंडीशंस एंड इट्स ऑल्सो गिव होलिस्टिक पिक्चर ऑफ ऑल ओवर इन्वायरमेंटल स्टेटमेंट ऑन विच प्रोजेक्ट इज गोइंग ऑन। ठीक है, और इम्पैक्ट प्रिडिक्शंस सॉरी इम्पैक्ट आइडेंटिफिकेशंस स्टेप इंक्लूड इन द बेसलाइन डाटा। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आता है वो आता है इम्पैक्ट प्रिडिक्शन। इम्पैक्ट प्रिडिक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे हम प्रिडिक्ट करते हैं पहले जैसे क्लाउड्स को देख के हम सोचते हैं कि आज रेन होने वाली है, तो उस तरीके से हम प्रिडिक्शन करते हैं कि किस तरीके से जो इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट है उसको हम प्रिडिक्ट करते हैं कि पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, टेम्परेरी होगा, परमानेंट होगा, रिवर्सिबल होगा, इरिवर्सिबल होगा। तो इसमें बहुत सारे इम्पैक्ट आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, इम्पैक्ट प्रिडिक्शन करने के लिए हम बहुत सारे मेथड्स यूज़ करते हैं। तो उनमें कुछ मेथड्स है जैसे कि मैथमेटिकल्स मेथड होते हैं, चेकलिस्ट मेथड हो गया, क्वांटिटेटिव मेथड हो गया, मैट्रिक्स मेथड हो गया, ओवरले मैप्स मेथड हो गया। तो ये सारे बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हमें इम्पैक्ट प्रिडिक्शन करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं प्रोजेक्ट के जो गुड या बैड जो इम्पैक्ट होने वाले उनको, और इनको असेसमेंट का काम कौन करती है, एजेंसी करती है। ठीक है, जिसमें एक्सपर्ट कमिटीज होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें स्टेप आता है मिटिगेशंस मेजर। मिटिगेशंस मेजर्स का मतलब क्या है कि जो हमने अभी तक इम्पैक्ट प्रिडिक्ट किए हैं ठीक है, उनको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, जो स्टेप्स हैं उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं इम्पैक्ट को, तो वो सारे इसके अंदर आते हैं। जैसे कि इम्पैक्ट जो तीन तरीके से कर सकते हैं, एक तो होता है रिडक्शन। ठीक है, एडवर्स इम्पैक्ट जो होता है कि उसको अवॉइड कर दिया जाए, फर्स्ट क्या होता है अवॉइड द इम्पैक्ट, और दूसरा क्या होता है रिडक्शन इन इम्पैक्ट। अवॉइड कैसे करेंगे कि जो रिस्टोर करने वाला काम है ठीक है, उस तरीके का हम रिस्टोर करें ही ना उस एरिया में, हम प्रोजेक्ट उस एरिया में ना लगा के कहीं दूसरी जगह पे उसको ट्रांसप्लांट कर दे। तो ये किस में होता है, अवॉइडेंस में। दूसरा आता है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है जो इम्पैक्ट हो रहे हैं उनको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि एयर पोल्यूशन अगर हो रहा है ठीक है, एयर पोल्यूशन अगर हो रहा है तो हम कुछ ऐसे डिवाइसेस यूज करें जिससे कि क्या है एयर पोल्यूशन को मिनिमाइज किया जा सके उस एरिया में, तो ये क्या होगा रिडक्शन। थर्ड इसमें हो जाता है रिपेयर। रिपेयर को मतलब क्या हो, जो डैमेज हुआ है वहाँ पर उसको हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है वहाँ पे, कुछ फॉरेस्ट एरिया अगर आ जाता है तो हम उसमें डिफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, यानी कि उस फॉरेस्ट एरिया को दूसरी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, रिफॉरेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे जो ट्रीज होते हैं उनको हम दूसरी जगह पे प्लांट कर सकते हैं। तो ये किस में आ जाता है हमारा,
रिपेयर के अंदर आ जाता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है वो आता है पब्लिक हियरिंग का। किसका आता है? पब्लिक हियरिंग का। पब्लिक हियरिंग का मतलब है कि हमने उस जो प्रोजेक्ट है उसके प्रोज और कॉन्स देख लिए, उसके इम्पैक्ट भी देख लिए। अब हम क्या करेंगे उसकी पब्लिक हियरिंग, पब्लिक जो वहाँ पे लोकल एरिया में जो पब्लिक रहती है कि उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होंगे, वो उनसे हम क्या करते हैं, शॉर्ट आउट करते हैं। उनसे हम पूछते हैं कि जिसको हम चेकलिस्ट मेथड बोलते हैं या क्वेश्चन ईयर मेथड बोलते हैं, जिसके अंदर क्वेश्चंस आंसर होते हैं, और उनसे क्या होता है हम पब्लिक की जो डिमांड होती है उनको सुनते हैं, ठीक है। और ये पब्लिक हियरिंग में कौन कौन लोग होते हैं? कुछ इन्वायरमेंटल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, जो कि एनजीओज वगैरह जो इस फील्ड में वर्क करती हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि वहाँ पे लोकल एरिया के होते हैं, और वो लोग जिनका इस प्रोजेक्ट से थोड़ा बहुत कुछ लेना देना होता है और उनके ऊपर इस प्रोजेक्ट का कुछ इम्पैक्ट पड़ना होता है, वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद आता है डिसीजन मेकिंग प्रो स्टेप। जब पब्लिक हियरिंग हो जाती है, हमें प्रोज पता चल गए, कॉन्स पता चल गए, इम्पैक्ट पता चल गया, रिड्यूस भी कर लिया, अवॉइड भी कर लिया, सब कुछ करने के बाद पब्लिक हियरिंग भी कर ली, उसके बाद हम डिसीजन अथॉरिटी जो होती है जिसमें एक्सपर्टीज कंसल्टेंट होते हैं, वो क्या करते हैं इसको फाइनल डिसीजन देते हैं कि यहाँ पे ईआईए जो है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर ईआईए हुआ है तो वो जो मेजर प्रोजेक्ट है उनके लिए हुआ है, तो उस जो प्रोजेक्ट है उसका अप्रूवल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। इसमें वो दोनों चीज़ों को अपने दिमाग में रखते हैं, किस किस को, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को, और दूसरा क्या है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान को, कि इम्पैक्ट के बाद वहाँ का इन्वायरमेंट के लिए मैनेजमेंट किस तरीके का है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान। अब जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के अंदर हमें पता चला कि वहाँ के इम्पैक्ट किस किस तरीके के हैं, उनको हम रिडक्शन कैसे कर सकते हैं, तो वो सारा किसके अंदर आता है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान के अंदर, और वो हम इम्प्लीमेंट किस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो मिटिगेशन मेजर्स और ईआई रिपोर्ट से रिलेटेड होता है, यानी कि जब हम सारे मिटिगेशन मेजर्स ले चुके होते हैं, हम पूरी ऑडिटिंग कर चुके होते हैं वहाँ पे कि मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो जो रिपोर्ट उनके पास आई है उसकी पूरी ऑडिटिंग हो जाती है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की ऑडिटिंग हो जाती है, मैनेजमेंट की ऑडिटिंग हो जाती है, ठीक है। और मैनेजमेंट की ऑडिटिंग किसके अकॉर्डिंग होती है? ISO 9000 और ISO 14000 जो सीरीज़ है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम की उसके अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। परफॉर्मेंस प्रिडिक्शन की ऑडिटिंग हो जाती है, प्रोसीजर ऑडिटिंग हो जाती है, प्रोजेक्ट इम्पैक्ट ऑडिटिंग हो जाती है, फिर इसके ऊपर एक फाइनल डिसीजन दिया जाता है। और ये सारे स्टेप्स किसके होते हैं? ईआईए प्रोसेस के, ठीक है। ये हमारे पास एक फ्लो चार्ट है जिसमें हम ईआईए के जो स्टेप्स हैं उनको कवर करें। तो इसमें कौन कौन से हैं ये? तो जो पहले जो तीन स्टेप्स हैं उनमें तो पब्लिक कंसल्टेशन होता है, लास्ट के तीन है उनमें पब्लिक कंसल्टेशन नहीं होता है। पब्लिक कंसल्टेशन कब होता है? स्क्रीनिंग के लिए होता है, स्कोपिंग के लिए होता है, बेसलाइन डाटा के लिए होता है, प्रिडिक्शन के लिए होता है, और इम्पैक्ट इवेल्युएशन के लिए और मिटिगेशन मेजर्स के लिए पब्लिक कंसल्टेशन की ज़रूरत होती है। अब स्क्रीनिंग क्या होता है ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि एआईए चाहिए या नहीं चाहिए, होना चाहिए नहीं चाहिए, प्रोजेक्ट किस तरीके का है वो हम स्क्रीनिंग में देखते हैं। स्कोपिंग में क्या करते हैं? उनके जो इश्यूज़ हैं, इम्पैक्ट हैं, उनको हम कंसिडर करते हैं बेसलाइन डाटा में। वहाँ पर इकोलॉजिकल जोन एरिया या किस तरीके का डेवलपमेंट होगा, पोस्ट और प्री डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है उसका क्या इम्पैक्ट होगा, वो हम बेसलाइन डाटा के अंदर करते हैं। प्रिडिक्शन में उसके प्रोज और कॉन्स देखते हैं, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, ये सब प्रिडिक्शन के अंदर देखते हैं। फिर इवेल्युएशन के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमने प्रिडिक्ट किया है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं कि जो इम्पैक्ट है उसको मिनिमाइज किया जाए, उसके लिए बहुत सारे मिटिगेशन मेजर्स उठाए जाते हैं। उसके बाद जो रिप्रेजेंटेशन होता है ईआईए का, ठीक है, उसके रिव्यू किया जाता है, फिर डिसीजन मेकिंग होती है, जो एक्सपर्ट कमिटीज होती हैं वो उस पर डिसीजन देती है। उसके बाद पोस्ट डिसीजन मॉनिटरिंग होती है जिसमें ऑडिटिंग होती है, और ऑडिटिंग कितने टाइप की होती है वो हम पीछे कर चुके हैं। तो ये क्या है स्टेप्स इन ईआईए प्रोसेस। अगला जो आता है हमारा वो आता है कंपोजिशन ऑफ एक्सपर्ट कमिटीज। अब एक्सपर्ट कमिटीज में कौन कौन मेंबर होंगे? एक तो इकोसिस्टम मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर कोई है तो वो होगा। पॉल्यूशन कंट्रोल, पॉल्यूशन कंट्रोल वो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल भी हो सकता है, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी हो सकता है, किसी के भी मेंबर हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि जो वो
प्रोजेक्ट है वो स्टेट लेवल का है या नेशनल लेवल का है। नेक्स्ट आता है फ्लोरा फोना कंजर्वेशन अथॉरिटी, लैंड यूज प्लानिंग अथॉरिटी, इन्वायरमेंटल हेल्थ अथॉरिटी, सब्जेक्ट एरिया स्पेशलिस्ट यानी कि उस सब्जेक्ट एरिया के जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो भी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एनजीओज के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो भी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और ये जो कमेटी होती है ये इसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, 15 मेंबर्स से ज़्यादा इसमें अलाउ नहीं होते हैं, 15 या 15 से कम ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसमें, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, इन्वायरमेंटल अप्रेशियल प्रोसीजर इन इंडिया। तो जो ईआईए की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट मिनिस्ट्री है वो गाइडलाइन पब्लिश करती है, किसके लिए, डिफरेंट सेक्टर के लिए डिफरेंट गाइडलाइन पब्लिश करती है। और किसके अकॉर्डिंग करती है, अकॉर्डिंग टू ईआईए नोटिफिकेशन जो आया था, कब आया था, 1994 के अंदर। और उसी के अंदर 2006 में क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया, और उन अमेंडमेंट में क्या क्या हुआ वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट हम सबमिट करते हैं इसकी इंफॉर्मेशन का जो है ये डिसीजन जो लेना होता है वो विद इन 90 डेज लेना होता है, 90 डेज में लेना होता है। और इसमें जो रीजनल ऑफिसेज हैं वो हेल्प करते हैं, रीजनल ऑफिसेज किसके होते हैं, एमओईएफ के। और 6 रीजनल ऑफिसेज हैं टोटल मिनिस्ट्री की फंक्शनिंग के लिए, कहाँ कहाँ पे, एक तो शिलोंग में है, भुवनेश्वर में, चंडीगढ़ में, बेंगलोर में, लखनऊ में और भोपाल में। ठीक है, और ये मॉनिटर करते हैं जो क्लियर प्रोजेक्ट है वो क्लियरेंस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये काम किसका, रीजनल ऑफिसेज में होता है। उसके बाद इसके अंदर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के अंदर सबसे पहले हम इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, जैसे कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया के लिए कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान जो होता है उसके अकॉर्डिंग जो कोस्टल जोन अथॉरिटीज़ हैं उन जो उसकी गाइडलाइन है, नोटिफिकेशन है 1991 के अकॉर्डिंग, तो उससे अप्रूवल लेना पड़ता है। तो वो क्या करती है उस प्रोजेक्ट के लिए एक पूरा जो प्रोजेक्ट आने वाला है उसके पूरी रिपोर्ट तैयार करती है और उसको अप्रूवल के लिए किसके पास भेज देती है, एमओईएफ के पास भेज देती है। और मिनिस्ट्री का काम ये होता है जो उन्होंने प्लान दिया है, जो उन्होंने प्रोजेक्ट का प्लान बना के भेजा है वो सही है या नहीं है, उसको एग्जामिन करने का काम किसका होता है, एमओईएफ का होता है। उसके बाद यहाँ से अप्रूवल लेने के बाद इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जो है वो कहाँ से लिया जाता है, फॉरेस्ट एरिया से भी लिया जाता है, जो फॉरेस्ट एक्ट है, फॉरेस्ट एक्ट कौन सा, 1980 का। ठीक है, 1980 का है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस है वो वहाँ से भी लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि किस तरीके से लेना पड़ता है कि वहाँ पे कोई फॉरेस्ट कवर तो नहीं है, प्रोजेक्ट के अंडर में फॉरेस्ट को रिस्टोर तो नहीं किया जा रहा है या उसको कोई हार्म तो नहीं हो रहा है, तो वो सारा क्लियरेंस हमें कहाँ से मिलता है, अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंदर अप्रूवल उसको दिया जाता है। और जितने भी इन्वायरमेंटल एंगल हैं वो कंप्लीट हो जाने चाहिए 90 डेज के अंदर, और डिसीजन जो होता है मिनिस्ट्री का वो कन्वे करना होता है विद इन 30 डेज। ठीक है, ये काम होता है। तो टोटल हमारे 120 डेज के टाइम में, पीरियड में, ये जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस का काम है वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है इन्वायरमेंटल क्लियरेंस का, हमने कर लिया। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस होने के बाद नेक्स्ट जो हमारा है कि मेन पार्टिसिपेंट कौन कौन होते हैं ईआईए के। तो पहला तो कौन होगा, जिसने ये प्रोजेक्ट प्रपोज किया है वो तो सबसे पहले होगा। उसके अलावा जो इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट है, जो इन्वायरमेंटल के हार्म के या इन्वायरमेंट के फील्ड में काम करते हैं वो होते हैं। उसके बाद पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर होते हैं, वो स्टेट के भी हो सकते हैं, सेंट्रल के भी हो सकते हैं। दूसरा क्या है, पब्लिक होती है जो कि अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करती है फॉर दिस प्रोजेक्ट। उसके बाद आते हैं जो 5th नंबर पे इम्पैक्ट एजेंसीज होती हैं जो कि इम्पैक्ट असेसमेंट के अंडर में काम करती है। उसके बाद रीजनल सेंटर जो होते हैं एमओईएफ के, जो हमने बात की थी, टोटल कितने, 6 हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आता है वो आता है साइलेंट फीचर्स क्या क्या हैं। 2006 जो अमेंडमेंट है ईआईए नोटिफिकेशन का, जो 1994 का जो नोटिफिकेशन था उसमें जो अमेंडमेंट हुए वो क्या क्या थे। तो सबसे फर्स्ट जो इसमें अमेंडमेंट में जो बात हुई वो थी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ स्टेट्स एंड
सेंटर, ठीक है, डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। और इसमें दो कैटेगरीज बनाई गई, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी। कैटेगरी ए के अंदर जो नेशनल लेवल के जो इम्पैक्ट असेसमेंट इम्पैक्ट थे या ये प्रोजेक्ट थे, उनको अप्रूवल देने का काम कौन करते हुए कैटेगरी ए के अंदर रखा गया। और जो स्टेट्स वाले थे, स्टेट के अप्रूवल के लिए उनको किस में रखा गया, कैटेगरी बी के अंदर रखा गया। और कैटेगरी ए में दो एजेंसीज और कमेटीज काम करती थी, कौन कौन सी, इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी और दूसरी थी एक्सपर्ट अप्रिशियल कमेटी। और स्टेट के अंदर जो है स्टेट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी और दूसरी थी स्टेट एक्सपर्ट अप्रिशियल कमेटी। ये स्टेट लेवल पर काम करती हैं और ये नेशनल लेवल पर काम करती है। और जो स्टेट लेवल पर काम करती है वो कैटेगरी बी के अंदर आती है, और वो कैटेगरी बी टाइप की जो प्रोजेक्ट है उनको क्लियरेंस देने का काम करती है। ठीक है, अब आते हैं ईआईए साइकिल पे। ईआईए साइकिल का मतलब क्या है कि ईआईए की जो साइकिल है वो किस तरीके से चलती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट के बारे में, कि कोई ना कोई तो क्या करेगा, प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट देगा। ठीक है, कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो किस एरिया में लग रहा है, प्रोजेक्ट जो है वो किस एरिया में है, ये प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। ठीक है, और उसके लिए हम क्या करते हैं, साइट सिलेक्ट करते हैं, वहाँ की स्क्रीनिंग करते हैं, ठीक है, स्कोपिंग भी करते हैं। ये सब किस में आता है, प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट में, प्री फिजिबिलिटी स्टेप में आता है। प्री फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी का मतलब क्या है कि वो जो हमने साइट वहाँ पे सिलेक्ट की है वो फिजिबल भी है या नहीं है, किस तरीके से है, वो इसके अंदर आता है। प्री फिजिबिलिटी के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है फिजिबल होने के बाद, वहाँ की हम क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, इम्पैक्ट को प्रिडिक्ट करते हैं। उसके बाद कुछ जब सारे हमारे पास इम्पैक्ट आ जाते हैं तो हम डिज़ाइन करते हैं उस प्रोजेक्ट को, और फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। इम्प्लीमेंट करने के बाद उसकी मॉनिटरिंग होती है और ऑडिटिंग होती है। मॉनिटरिंग और ऑडिटिंग में क्या होता है, जो उसके प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस और पोस्ट इन एग्जिस्टिंग कंडीशंस जो होंगी इम्पैक्ट के बाद में, वो किस तरीके की होंगी वो मॉनिटर की जाती है, और उनके जो फ्यूचर जो प्रोजेक्ट हैं के इम्पैक्ट हैं वो उसमें देखे जाते हैं। इस तरीके से ईआईए की पूरी साइकिल चलती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रोसीजर फॉर पब्लिक हियरिंग। पब्लिक हियरिंग का मतलब क्या है, हम पब्लिक हियरिंग किस तरीके से होती है, तो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो होता है वो एक नोटिस इशू करता है, और वो एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर में पब्लिश करना होता है, सर्कुलेट करना होता है, और एक जो होता है न्यूज़पेपर उसमें एक रीजनल लैंग्वेज में होना चाहिए ताकि लोग उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। दूसरा क्या है कि इस प्रोजेक्ट के लिए जितने भी पर्संस होते हैं जो रेजिडेंट हैं वहाँ के और इन्वायरमेंटल ग्रुप है, वो सब पब्लिक हियरिंग में क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए जो पब्लिक हियरिंग होती है इसके लिए एक पर्टिकुलर डेट जो होती है और टाइम, वो भी उसमें नोटिस में मेंशन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है रिकमेंडेशन टू इम्प्रूव ईआईए प्रोसेस। ईआईए प्रोसेस को रिकमेंड कैसे किया जाता है, तो इंडिपेंडेंट ईआईए अथॉरिटी जो है वो होनी चाहिए, यानी कि कोई प्रेशर के अंदर काम ना करे, अथॉरिटी अलग से होनी चाहिए। सेक्टर वाइड ईआईए नीडेड है, यानी कि अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग तरीके से ईआईए करना चाहिए, ये नेसेसरी है। क्रिएशन ऑफ सेंट्रलाइज बेसलाइन डाटा, ठीक है, बेसलाइन डाटा जो है उनको सेंट्रलाइज कर देना चाहिए। कुछ बेसलाइन डाटा है जिनको कॉमन करना चाहिए, जिसका इम्पैक्ट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होता है। लास्ट है डिसमिनेशन ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोजेक्ट फ्रॉम नोटिफिकेशन टू क्लियरेंस टू ऑल लोकल कम्युनिटीज एंड जनरल जनरल पब्लिक। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है ये आते हैं की एग्रीमेंट। की एग्रीमेंट कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट है कन्वेंशन ऑन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इन ए ट्रांस बाउंड्री कॉन्टेक्स्ट। कहाँ पे हुई थी ये हुई थी इस्पो में, कब हुई थी, 1991 में। ठीक है, और ये मल्टीलेटरल जो एग्रीमेंट है वो है, और दिस इज द फर्स्ट मल्टीलेटरल एग्रीमेंट ट्रीटी, जो कि कब हुई थी, 1991 के अंदर हुई थी। और इसने क्या किया था कि प्रपोजल दिया था ट्रांस बाउंड्री इम्पैक्ट के ऊपर भी, कि हमारे प्रिंसिपल प्रोविजंस और प्रोसीजर किस तरीके से होना चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए, उन सब एक्टिविटीज़ की लिस्ट बनाना, क्राइटेरिया तैयार करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, ये सब इसके अंदर आता था। नेक्स्ट जो हमारी आई वो आई रियो दे जेनेरियो डिक्लेरेशन 1992,
ठीक है। और इसी के अंदर हम टोटल 17 प्रिंसिपल आए, और जो 15 प्रिंसिपल्स थे इस डिक्लेरेशन के रिलेवेंट टू द EIA प्रैक्टिस एंड इट्स एप्लीकेशंस, ठीक है। और इसी के अंदर आया एजेंडा 21, जिसके जो प्रमोट करता था किसको, जो मेथडोलॉजीज थी EIA की और जो पॉलिसी डिसीजंस था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए उनको, तो ये किस में आता था, एजेंडा 21 के अंदर, ठीक है। उसके बाद एजेंडा 21 ने एक सेट ऑफ फ्रेमवर्क तैयार किया, जो कि किसी भी कंट्रीज में कोई भी नेशनल इन्वायरमेंटल लॉज हैं उनको एस्टेब्लिश किया जाए उस तरीके से, वो एजेंडा 21 के अंदर है। नेक्स्ट है UN कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992, ये आर्टिकल 4 और 14 के अंदर आते हैं। जो EIA साइट्स हैं उनमें जो इम्प्लीमेंटिंग मैकेनिज्म है उनको किस तरीके से लागू किया जाए, ये इस कन्वेंशन के अंदर किया गया। नेक्स्ट आती है हमारी दोहा मिनिस्टर डिक्लेरेशन, और ये कब आई, नवंबर 2001 में आई, और ये जो कंट्रीज को एनकरेज करती है किस लिए, कि वो एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ में शेयर करे अपनी एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस को, ठीक है। ये दोहा मिनिस्टर डिक्लेरेशन के अंदर आया। उसके बाद आया UNEC अरहस कन्वेंशन 1998, इसमें क्या किया गया कि जो डिसीजन मेकिंग है और एक्सेस टू जस्टिस इन एनवायरमेंटल मैटर्स है उनको कवर किया जाए, किस हर लेवल पे, प्रोजेक्ट के, प्लान के, प्रोग्राम, पॉलिसी, इन सब के लेवल पे, और इन पे EIA को क्या किया जाए, अप्लाई किया जाए। जो लास्ट हमारी आई है वो है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट इन स्टॉकहोम, जिसको स्टॉकहोम डिक्लेरेशन भी बोलते हैं, और ये कब आई, 1972 के अंदर। ये हमारे कुछ आर्टिकल्स हैं जो न्यूज़पेपर में आए हुए, तो आपको ये सारे आर्टिकल्स, आपका ये होमवर्क, आपको ये आर्टिकल्स पढ़नी है, ठीक है। और इनमें आपको जितना जो कुछ भी हमने पढ़ा है ये एक केस स्टडी की तरह ही है, और उसी तरीके से आपके सामने आएगा। ये 4 दिसंबर की न्यूज़ है, तो इसको आप पढ़ना है। ये कि स्टेट अथॉरिटी जो थी बिहार की, उसको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस किस लिए चाहिए था, क्या इशू था, ब्रिज प्रोजेक्ट था, उसके ऊपर क्या कुछ चल रहा था, ये करंट आर्टिकल है। और ये कुछ न्यूज़ में आए हुए आर्टिकल हैं जो अभी के ही हैं, नवंबर और दिसंबर के, ये आपको सारे पढ़ने हैं, और इनके बारे में पता करना है कि एक्चुअल में इन्वायरमेंटल क्लियरेंस किस लिए चाहिए था, स्टेट प्रोजेक्ट थे, सेंट्रल प्रोजेक्ट थे, इनके प्रोज और कॉन्स क्या थे, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहे थे, कौन कौन सी कमेटीज थी, किस कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दिया, ये सारे हमें इसमें करने हैं। ये हमारे कुछ करंट से रिलेटेड इश्यूज हैं जो कि न्यूज़पेपर में आपको इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया से आपको ये आर्टिकल मिल जाएंगे, ठीक है। और कुछ आर्टिकल जैसे एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, गंगा पोर्ट से रिलेटेड है, दूसरा ग्रीन लाइट प्लांट पावर से रिलेटेड है, तो ये सारे आपको करने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।